गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों ये आपकी बुक दीप ज्योति हिंदी व्याकरण भाग दो। चलिए आपका रिवीजन शुरू हो रहा है तो रिवीजन करते हैं। रिवीजन का मीन्स जो हमने पहले पढ़ा है उसको पुनः पढ़ेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक निकालिए और शुरू करते हैं पढ़ना। 3 चैप्टर तक आपका आएगा, तो चलिए आज 1, 2, 3 फिर से पढ़ लेते हैं। तो पहला आपका है चैप्टर भाषा, लैंग्वेज, पाठ 1 भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों को समझने तथा समझाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हम अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों को समझने तथा समझाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हम अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर कि हमारे देश में पंजाबी, बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, मराठी, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें ये प्रमुख हैं। अब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। क्या है हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी। और उसकी लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, लिपि में लिखा गया है। और भाषा के शुद्ध रूप को समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण से ही पता चलता है कौन सा शब्द या वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। हमें व्याकरण द्वारा ही ये पता चलता है कि कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध वाक्य है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान कराता है। छोटे बच्चे परिवार में सुनकर बोलना सीख लेते हैं किंतु भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे लड़की जाता है, ये क्या है? अशुद्ध है। लड़की जाती है, ये सही है। गाय दूध देता है, ये गलत है। गाय दूध देती है, ये सही है। बारिश हो रहा है, ये गलत है, और बारिश हो रही है, सही है। आप अभ्यास करें, चित्रों का मिलान कीजिए। तो ये क्या है? मुड़ो। तो ये मुड़ो पे मिलान किया है। फिर ये नमस्ते कर रही है, नमस्ते लिखा हुआ इस पर मिल गया है। कूदना लिखा, कूदो, तो ये कूद रहा है बच्चा। झुको, तो ये झुकने पर लगा है। आगे और ये आओ। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज हो गया। अब इसका क्वेश्चन सा देख लेते हैं। पाठ 1 भाषा, भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों को समझने तथा समझाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों को समझने तथा समझाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। ये पाठ का है। भाषा के कितने भेद हैं? तो भाषा के 3 भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। तो यह आपका पाठ 1 का रिविज़न हो गया। क्वेश्चन सर और एक्सरसाइज सब हमने समझा दिया। अब चलिए चैप्टर 2 पार्ट 2 निकालते हैं। ठीक है, और ये है वर्ण। आप लोग निकाल लीजिए अपना अपना, खोलिए कॉपी बुक। पार्ट 2 वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं वर्ण, और वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। ये लिखा हुआ देखिए, फूल, घोड़ा, बालक, इन्हें बोलने के लिए ध्वनि का प्रयोग हुआ है। यहाँ दिए गए प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। फूल, ये देखिए ध्वनियाँ फ, बड़ा उ, ल, अ। घोड़ा में घ, ओ, र, आ। बालक, ब, आ, ल, अ, क, अ, बालक। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों को कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वर किसे कहते हैं?
जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें कहते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें कहते हैं स्वर कहते हैं। और स्वर संख्या में होते हैं 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अ आ ई ई उ री ए आय ओ आओ, ठीक है। और अ जो है वो आगस्वर है, ठीक है। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब देखिए व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती उन्हें कहते हैं व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती उन्हें कहते हैं व्यंजन। व्यंजन संख्या में होते हैं 35। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 35 होते हैं। यदि इनमें 4 संयुक्त अक्षर छत्र ज्ञ मिला दें तो हिंदी में वर्णों की संख्या हो जाती 39। ज फ आगत व्यंजन होते हैं, अंग और आह ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों को योग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 भिन्न अलग अलग वर्णों के योग से जो बने वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन लिखा हुआ क्षत्रिय कक्षा पत्र पुत्र ज्ञान आज्ञा श्रीमान श्रम, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये 6 है, ये 3, ये 11 और ये श्रम, ठीक है। ये कैसे बना इसने हम आपको समझा दिए थे। अब देखिए अभ्यास कार्य, सही उत्तर पर सही लगाओ। कैसे? देखिए भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द वाक्य वर्ण, तो वर्ण कहते हैं, तो वर्ण पर टिक लगा हुआ है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं वर्ण। फिर है सेकंड नंबर, स्वरों की कुल संख्या डैश होती है 5, 11, 16, 11 होती है तो 11 पे टिक लगा हुआ है। व्यंजनों की कुल संख्या होती है 39 पे लगा हुआ है। देख लीजिए कायदे से ध्यान से। फिर देखिए इधर नीचे दिए गए चित्रों के नाम बोलो और उनके शुरू की ध्वनि वाले पर टिक लगाओ, ठीक है। तो ये चित्र क्या है? किस चीज़ का चित्र है बताइए? बिल्ली का। तो बा से शुरू होता है बिल्ली, तो बावर्ण पे चित्र लगा सॉरी टिक लगा हुआ है, बा से शुरू होता है। फिर तितली का चित्र बना हुआ है, तो तावर्ण से शुरू होता है तो ता पे टिक लगा हुआ है। फिर टमाटर टावर्ण से शुरू होता है तो टा पे टिक लगा हुआ है। और मछली मावर्ण से शुरू होता है तो माँ पे टिक लगा हुआ है। फिर चित्र का नाम लिखो, ये बच्चे का चित्र, बच्चा, लट्टू, चिट्ठी, मक्का, बल्ला, रस्सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप क्वेश्चन सा देख लेते हैं। देखिए अब इस पाठ का क्वेश्चन सा पाठ 2 का, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं वर्ण। वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को। वर्ण माला किसे कहते हैं? तो वर्णिक को समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें कहते हैं स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती उन्हें कहते हैं व्यंजन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इधर भी है, देखिए स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर संख्या में 11 होते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या होती है 35, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसमें छत्र ज्ञ मिला दे तो 39 हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम चैप्टर 3 पढ़ लेते हैं। फिर है आपका पार्ट 3 मात्राएं। आपका 3 चैप्टर तक आना है। तो मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है और स्वर के इन्हीं चिन्हों को कहते हैं मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है, उन्हीं चिन्हों को कहते हैं मात्रा। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। अ का चिन्ह नहीं होता, ये हम पहले को आपको कायदे से समझा चुके थे। मात्राएँ केवल स्वर की होती है, व्यंजनों की नहीं होती है। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में उनके स्वरों और व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, आओ देखें। जैसे पुस्तक, भालू, तीर। पुस्तक में म के साथ छोटा उ, भालू में ल के साथ बड़ा उ लगा हुआ है, तीर में त के साथ
बड़ी ही, केवल इनके रूप बदले हुए हैं। मात्रा लग गई तो रूप बदल गया, चिन्ह हो गया, और आ को छोड़कर अन्य सभी स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर अपना रूप चिन्हों में बदल लेते हैं। ठीक है, अब अभ्यासकार देखिए, सही मात्रा लगाकर चित्रों के नाम लिखो। तो ये ढोलक का है, ढा पर ओ की मात्रा और ला ढोलक। पतंग का चित्र है तो पा पर अंग की मात्रा और त और गा पतंग। मैना, मा पर ए की मात्रा और ना पर आ की मात्रा, मैना। फिर घंटी, घा पर अंग की मात्रा और टा पर बड़ी की मात्रा, घंटी। चा पर आ की मात्रा और चंद्रबिंदु और द चांद, सांप। फिर है इन स्वरों के नीचे इनकी मात्राएं लिखी हुई हैं। देखिए ये छोटी की मात्राएं लिखी है तो आपको लिखना है, ये ओ है, ये ओ की मात्रा है, आ आ की मात्रा, ये छोटा ओ की मात्रा और ये बड़ी की मात्रा। मात्राएं इस प्रकार जोड़ो कि फलों के नाम बन जाए। तो मात्राएं जुड़ा अनार, अमरूद, नाशपाती, तरबूज, अंगूर, तरबूज और जामुन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसका हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखिए पार्ट तीन, मात्राएं, इसका क्वेश्चन था। देखिए मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है और स्वर के इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसकी होती है? स्वर या व्यंजन की? तो मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। सही उत्तर पर सही लगाओ, ये होमवर्क था आपका। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा के कितने रूप हैं? तीन। स्वरों की कुल संख्या 11, व्यंजनों की कुल संख्या 40। पुस्तक में पा के साथ किस स्वर की मात्रा जुड़ी है? उ। तीर में ता के साथ किस स्वर की है? बड़ी। तो ये आपका हो गया, तीन चैप्टर तक आपका रिवीजन हो गया। अब आप अपने से इसका पूरा पढ़िए घर पे और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आपका तीन चैप्टर तक आएगा, अध्याय तीन तक, पार्ट तीन तक आपका एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अब आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, याद कीजिए, लिखिए। धन्यवाद।